एवरीवन, दिस इज अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे वन वर्ड स्विच वर्ड्स के बारे में जो कि आपको ब्यूटी मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेंगे। मुझे काफ़ी सारे क्वेरीज आती हैं कि हम ब्यूटी के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे हम अट्रैक्टिव लगे, स्लिम लगे, या फिर जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, जैसा भी वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने अपीयरेंस को, वो चीज़ हम कैसे करें। पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट जो ये है वो है सेल्फ लव। आप जैसे भी हो, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। उसके बाद आप कुछ इन्हांसमेंट करना चाहते हो अपने में, वो चीज़ अलग है। बट जस्ट बाय यू नो फीलिंग लाइक बैड और यू नो क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ कि अब मैं बुरी हूँ, मैं ऐसी हूँ, उस इंटेंशन के साथ अगर आप कुछ यू नो अपीयरेंस को मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, वो चीज़ मैनिफेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपकी इंटेंशन यहाँ बहुत मैटर करती है। अगर आप यू नो सेल्फ लव के साथ चीज़ों को करोगे, वो चीज़ बहुत अच्छे से आपके लिए काम करेगी। मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं मुझे बुली करते हैं बिकॉज ऑफ माय लुक्स एंड ये वो। सो अगर आप उस ऑफेंसिव यू नो इंटेंशन के साथ कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहोगे तो हो सकता है कि आप उस मैनिफेस्टेशन में फेल हो जाओ, बिकॉज वहाँ पे एक तो नेगेटिव इमोशन है, ठीक है, सेल्फ लव नहीं है, क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो क्या होता है कि नेगेटिव चीज़ों के साथ, नेगेटिव इंटेंशन के साथ पॉजिटिव चीज़ मैनिफेस्ट नहीं की जा सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, एंड ऑब्वियसली डेस्पिरेशन भी होता है। तो जो भी करना है, कुछ भी आप इन अपीयरेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लुक्स में, हेयर हो गए, स्किन हो गई, बॉडी हो गई, स्लिम होना है, वेट गेन करना है, वो जो भी गोल है आपका, वो सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ करना है। एंड जस्ट टेल योर सेल्फ कि आई लव माई सेल्फ। ऐसा नहीं कि मुझे ये वाला अपीयरेंस पसंद नहीं है, बट मैं इस तरीके का मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, विद पॉजिटिव स्टेटमेंट, विद सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। वो चीज़ आपके लिए बेहतर काम करती है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं स्विच वर्ड्स के बारे में। सबसे पहला जो स्विच वर्ड है वो है अपनी पर्सनालिटी में चार्म लेके आने का। जो भी देखे वो आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, अच्छी स्किन के लिए, अच्छे स्किन टेक्सचर के लिए, अच्छे बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एंड बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। स्विच वर्ड क्या है? स्विच वर्ड है चार्म, चार्म, चार्म। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले स्विच वर्ड की, रिलेटेड टू ब्यूटी ओनली। ये भी आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करेगा। स्पेसिफिकली इफ यू आर फीमेल, आप इसे यूज कर सकते हैं एंड आप अपनी बॉडी में कर्व्स ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उस केस में इस स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। स्विच वर्ड क्या है? स्विच वर्ड है कर्व, कर्व, कर्व। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्विच वर्ड की। ये जो स्विच वर्ड है, बेसिकली आप इससे एक तो बहुत ही हेल्दी, हेल्दी मतलब मोटा वाला हेल्दी नहीं, हेल्दी, फिट, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, चार्मिंग दिखेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप यू नो एजिंग के प्रोसेस में जा रहे हैं, देन यू विल लुक यंगर। ठीक है, स्विच वर्ड क्या है? वो है लीन। ये तीन स्विच वर्ड हैं ब्यूटी के लिए। अब एक एडिशनली एज अ बोनस मैं आपको देना चाहती हूँ एक स्विच वर्ड। अगर आप फीमेल हैं एंड यू वॉन्ट दैट गॉडेस डिवाइन ब्यूटी, बेसिकली इट्स ऑल इन वन। ठीक है, आप जैसा भी अपीयरेंस चाहते हैं आप इस स्विच वर्ड से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल स्किन है, लंबे बाल हैं, या फिर आप वेट लूज करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, एक अपना ऑरा आप बनाना चाहते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पर्सनालिटी इन्हांसमेंट करना चाहते हैं, ये एक स्विच वर्ड काइंड ऑफ ऑल राउंडर है। आप इससे कोई भी रिलेटेड टू ब्यूटी एंड अपीयरेंस कॉन्फिडेंस आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्विच वर्ड है गॉडेस, गॉडेस, गॉडेस। ये स्विच वर्ड्स हैं, ये बहुत पावरफुल हैं, बहुत अमेजिंग है। अब बात कर लेते हैं आपने इन्हें करना कैसे है। आपने डेली इसको दो बार दिन में 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम के टाइम में इनको चैंट करना है। आप इनमें से कोई भी एक अपने विश के अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं एंड मिनिमम आपने उसके ऊपर 21 डेज तक काम करना है। अपने माइंड में आपने इंटेंशन रखनी है कि आपका जो भी काम है, जो भी चीज़ है, वो हो चुकी है। एंड उसके बाद 21 डेज के बाद आपने इसको लेट गो कर देना है, इसको करना बंद कर देना है। आप सिंपली मूव ऑन कर सकते हैं अपनी किसी और विश पे, किसी और स्विच वर्ड के साथ में। ठीक है, आपने इसे ऐसा करना है। और एडिशनली आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे नॉर्मल ब्लू पेन से इसको लिख भी सकते हैं। सपोज मैं काम करती हूँ गॉडेस के साथ में, गॉडेस स्विच वर्ड के साथ में, मैंने लिखना है अपनी इंटेंशन देते हुए गॉडेस अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे। ठीक है, सपोज कि मैं गॉडेस स्विच वर्ड से कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं 100 लोगों के सामने
सामने बैठ के कुछ यू नो स्पीच दे रही हूँ, कुछ बात कर रही हूँ एंड आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, ठीक है, उस केस में भी आई कैन यूज दिस वर्ड गॉडेस या स्विच वर्ड गॉडेस. गॉडेस एक ऑलराउंडर है. आप जैसी ब्यूटी, फेमिनिन ब्यूटी अगर आप यू नो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यूज दिस स्पेसिफिक स्विच वर्ड गॉडेस, ठीक है. बाकी जो स्विच वर्ड्स हैं आप उन्हें भी इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप बहुत जल्दी रिजल्ट्स को देखना चाहते हैं, आप हर घंटे 28 times अपने मन में इंटेंशन देके इनको चैंट करना स्टार्ट करें, इट विल रियली हेल्प यू, ठीक है. सो यप, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आप इन स्विच वर्ड्स को ट्राई करते हैं तो अपने फीडबैक को कमेंट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है. सो यप, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. टेक केयर, आई लव यू एंड बाय. थैंक यू सो मच.